इंडियन फुटबॉल का हिस्ट्री कोई स्टोरी से कम नहीं है। लेट 19th सेंचुरी में चालू हुए इंडियन फुटबॉल को लगभग 150 साल हो चुके हैं एंड इस 150 साल में हमने काफ़ी कुछ देखा है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियन फुटबॉल को इंट्रोड्यूस किया, कैसे हमारे प्लेयर्स ने इंडियन फुटबॉल को बढ़ावा दिया, कैसे AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फॉर्म हुआ, क्लब्स लाइक मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल कब से एग्जिस्टेंस में आए, ड्यूरंट कप के बारे में एंड हमारे गोल्डन एरा एंड कैसे हम ड्रास्टिकली फॉल कर गए, इस विषय से लेकर हम सभी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हिस्ट्री ऑफ इंडियन फुटबॉल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं हूँ आपका होस्ट अतावारिस वारसी एंड चलिए बिना कोई वक्त जाया किए शुरू करते हैं। यूरोप में तो काफी ज्यादा फेमस था फुटबॉल, लेकिन इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था फुटबॉल को। हालांकि इंट्रोड्यूस ब्रिटिशर्स ने किया था, लेकिन इंडियन फुटबॉल को बढ़ावा दिया था नगेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल भी। वो अपने स्कूल स्टूडेंट्स एंड क्लासमेट्स को कहा करते थे ये स्पोर्ट खेलने को एंड जब उनके फेलो इंग्लिश टीचर्स ने ये बात नोटिस करना चालू की तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए एंड उन्होंने नगेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी को कहा कि आप जाइए एंड ये स्पोर्ट को लोकल मासेस में फेमस करिए। कैलकटा FC पहली ऑफिशियल क्लब थी इंडिया में जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 1872 में। उसके बाद काफ़ी अदर क्लब्स आई लाइक डलहौजी क्लब, नेवल वॉलेंटियर्स क्लब एंड ट्रेडर्स क्लब। ड्यूरंट कप का फॉर्मेशन किया गया था ऑन 1888 बाय देन इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी मोर्टिमर ड्यूरंट एंड अगर ड्यूरंट कप की बात करूँ तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉम्पिटिशन्स इन द वर्ल्ड। 1889 में इंडियाज ओल्डेस्ट करंट क्लब मोहन बगान AC, जिनका नाम था मोहन बगान स्पोर्टिंग क्लब उस टाइम पे एंड वॉज द फर्स्ट क्लब टू बी अंडर द रूल ऑफ द आर्मी एंड उनका फॉर्मेशन होने के बाद काफ़ी नई क्लब्स भी इंडिया में प्रेजेंट होना चालू हो गई। 1893 में IFA शील्ड वॉज फाउंडेड एज द फोर्थ ओल्डेस्ट कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड एंड उसके बाद काफ़ी नए कॉम्पिटिशन प्रेजेंट रहे लाइक ग्लैडस्टोन कप, ट्रेड्स कप, कूच बिहार कप। फेबररी 20, 1899 को इस्टेब्लिश किया गया था RB फर्ग्यूसन फुटबॉल क्लब जो कि ओल्डेस्ट क्लब इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है एंड ये क्लब की वजह से केरला में काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल फेमस है। इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन जिसे IFA भी बुलाया जाता है वो इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल फुटबॉल एसोसिएशन था एंड वो इस्टेब्लिश किया गया था 1893 में। हालांकि 1920s तक उसके कोई भी मेंबर इंडियन नहीं थे। 1900s यानी कि 20th सेंचुरी में जो मेजर इवेंट था इंडियन फुटबॉल के रिलेटेड वो था मोहन बगान्स विक्ट्री अगेंस्ट ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट इन द IFA शील्ड फाइनल्स, जहां पर मोहन बगान 2-1 के स्कोरलाइन से मैच जीत गए थे एंड एक रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियल पावर्स। इस विक्ट्री ने काफ़ी ज़्यादा इंडियन फुटबॉल को मोटिवेट किया एंड लोगों को पता लगने लग गया कि इंडियन फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इंडियन फुटबॉल के प्लेयर्स का फर्स्ट ऑफिशियल टूर हुआ था 1924 में, लेकिन इस ऑफिशियल टूर में बोथ इंडियन एज वेल एज ब्रिटिश प्लेयर्स प्रेजेंट थे, लेकिन इट वॉज लेड बाय द लेजेंडरी कैप्टन कोस्ता पॉल। लेट 1930s में हमारी इंडियन फुटबॉल टीम टूर के लिए जाया करती थी इन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड एंड ये टीम कंसिस्ट करती थी ऑफ एंटायरली इंडियन प्लेयर्स एंड अगर रिजल्ट्स की बात करूँ तो हमारे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे थे। इसलिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया गया 1937, जिन्हें AIFA भी बुलाया जाता है, लेकिन डिकेड तक FIFA ने रिकग्नाइज नहीं किया था AIFF को। हालांकि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC के AIFF वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन IFA ने 1941 में संतोष ट्रॉफी को इस्टेब्लिश किया यानी कि स्टार्ट किया, लेकिन थोड़े देर बाद उन्होंने संतोष ट्रॉफी को डोनेट कर दिया टू दी AIFF। इंडियन फुटबॉल ने अपना वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस दिया था 1948 के ओलंपिक्स में, जहां 2-1 से फ्रांस के सामने हार गए। लेकिन अगर ये डिफीट को साइड में रखे तो इंडिया बेयर फुट खेल कर भी पूरा मैच डोमिनेट की थी अगेंस्ट फ्रांस एंड ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। ये डिफीट, हमारी इंडियन फुटबॉल टीम का डिफीट के चर्चे ज़्यादा थे फ्रांस की टीम के जीतने से
एंड इस पे बकिंगम पैलेस में क्वीन ने हमें खुद बुलाया था, विजिट किया था हमारी टीम को। टेलीमेरेन आओ, उस टाइम के हमारे कैप्टन को पूछा गया था कि क्यों हमारी इंडियन फुटबॉल टीम बेयरफुट खेली थी 1948 का ओलंपिक्स, तो उन्होंने काफ़ी विटी रिप्लाई किया था कि आप लोग जो खेलते हैं वो बूट बॉल है क्योंकि आप लोग बूट्स पहनकर खेलते हैं, लेकिन हम जो खेलते हैं वो असली फुटबॉल है। सच अ विटी रिप्लाई। गोल्डन एरा ऑफ इंडियन फुटबॉल की बात करने से पहले चलिए बात कर लेते हैं एक छोटे से फैक्ट की। तो ऐसा माना जाता है कि हमारी इंडियन फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 1950 का इसलिए नहीं खेला था क्योंकि फीफा हमें बेयरफुट खेलने से मना कर दिया था। ये बात कहीं ना कहीं तो सच है, लेकिन इसका मेन रीज़न ये था कि 1952 का ओलंपिक्स जो कि फिनलैंड में होने वाला था उसमें हम काफ़ी ज़्यादा फोकस किए थे, एंड इनफैक्ट उतना हमारे पास मनी भी नहीं था कि हम ब्राज़ील जाएं 1950 के वर्ल्ड कप के लिए। हालांकि फीफा ने खुद कंपनसेशन देने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी इंडियन फुटबॉल टीम ने ओलंपिक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था। अब अगर हम गोल्डन एरा ऑफ इंडियन फुटबॉल बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में आते हैं सर सैयद अब्दुल रहीम, जो कि हमारे गोल्डन एरा यानी कि 1951 से 1962 के बीच में हमारी इंडियन फुटबॉल टीम को मैनेज भी करते थे। अगर सर सैयद अब्दुल रहीम की बात करूं एंड उस गोल्डन एरा टीम की बात करूं, तो हमने इनॉगरल एशियन गेम्स एडिशन जो कि इंडिया दिल्ली में हुआ था उसमें हमने इंडोनेशिया अफगानिस्तान को 3-0 से पहले हराया था, एंड देन फाइनल्स में ईरान जैसी जायंट टीम को 1-0 से हराया था एंड एशियन गेम्स हासिल किया था। 1952 में हमने कोलंबो क्वाड्रेंगुलर कप भी जीता था जो कि होस्ट किया गया था इन श्रीलंका, एंड उसके बाद हमने यही ट्रॉफी 3 बार जीती है इन 1953, 1954 एंड 1955। 1954 के एशियन गेम्स में हम 8th फिनिश किए थे, वेर इज 1957 के एशियन गेम्स में हम 4th पे फिनिश किए थे, लेकिन 1962 के एशियन गेम्स में हमने फिर से फाइनल्स में अपनी जगह बनाई थी, एंड साउथ कोरिया जिसके सामने हम ग्रुप स्टेज में हारे हुए थे, हम साउथ कोरिया को फाइनल्स में 2-1 से हरा कर एशियन गेम्स फिर से हासिल किए थे। 1956 के ओलंपिक्स में हम 4th फिनिश किए थे, लेकिन पॉइंट ये नोट करने की है कि 1956 के ओलंपिक्स में नेविल डिसूजा हमारे एक इंडियन प्लेयर फर्स्ट इंडियन एंड द फर्स्ट एशियन प्लेयर बने थे जिन्होंने हैट्रिक स्कोर किया था ओलंपिक्स में। 1959 में मर्दे का कप जो कि मलेशिया में होता है उसमें हम 2nd फिनिश किए थे, एंड आगे के एडिशंस ऑफ मर्दे का कप जो कि 1964, 1965, 1966 में हुआ था उसमें हम 2nd, 3rd एंड 3rd रिस्पेक्टिवली फिनिश किए थे। इनफैक्ट 1964 के AFC एशियन कप में हम 2nd आए थे यानी कि रनर अप फिनिश किए थे। लेकिन आफ्टर सर सैयद अब्दुल रहीम की डेथ हमारा इंडियन फुटबॉल काफ़ी डाउनफॉल में चले गया। अगर बात करें 1966 के एशियन गेम्स में तो हम पहले ही राउंड में बाहर हो चुके थे। 1970 एशियन गेम्स की बात करें तो हम 3rd प्लेस आए थे, लेकिन उसके बाद हमारा 70s, 80s एंड 90s के फेज में काफ़ी ख़राब फेज था इंडियन फुटबॉल का। लेकिन मोहन बगान ने हिस्ट्री क्रिएट किया था IFA शील्ड जीत कर 1979 में, लेकिन हमारे इंडियन फुटबॉल का परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत ख़राब था ये फेज में, एंड ये काफ़ी दुख की बात थी कि एक टाइम पे हमारा इंडियन फुटबॉल जिसे इतना अच्छा कहा जाता था उसका इतना ख़राब डाउनफॉल देखने को मिला। एक बात जो अच्छी देखने को मिली थी लेट 20th सेंचुरी में वो ये थी कि 1996 में AIFF ने फर्स्ट इंडियन नेशनल लीग बनाया था जो कि काफ़ी मोटिवेट किया था प्लेयर्स को। अगर 2000s की बात करें यानी कि 21st सेंचुरी की, तो हमारा इंडियन फुटबॉल ग्रेजुअली राइज कर रहा है, एंड क्योंकि हम हिस्ट्री पे ही बात कर रहे थे तो हम यहाँ तक ही बात करने वाले हैं, 2000s की बात उतना नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना मेंशन कर दूंगा कि 2000 में जो हम लोग को राइज देखने को मिल रही है, स्टार्टिंग में 2001 टू 2010 हमारा फेज थोड़ा सा इधर उधर था, लेकिन हमने काफ़ी खुद को ग्रेजुअली इंक्रीज किया है। हमारे पास प्लेयर्स लाइक सुनील छेत्री सर, भाईचंद भुटिया सर, देन रेनेडी सिंह, देन हमारे पास जे लाल पेकलुआ जैसे प्लेयर्स आए जिन्होंने काफ़ी कुछ दिया इंडियन फुटबॉल को, एंड इंडियन फुटबॉल काफ़ी ग्रो कर दिया है। इनफैक्ट आई लीग, ISL जैसे टूर्नामेंट से काफ़ी हेल्प किया इंडियन फुटबॉल को, एंड हाल ही में 2023 में हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के जो हेड कोच है इगोर श्रीमाथ सर, वो भी इंडियन फुटबॉल को बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद कर रहे हैं।
तो ये 2000s की बात है। हालांकि इसमें और कुछ भी आपको देखने मिलेगा, काफी इंफॉर्मेशन, लेकिन सिंस हम हिस्ट्री में बात कर रहे थे, जैसा मैं कहा, तो हमारा वीडियो था लेट 20th सेंचुरी तक की। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द नोटिफिकेशन बेल टू। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।